फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज है संडे, तो संडे तो फुल ऑन हमारा पार्टी डे होता है। तो आज बाहर पार्टी हो रही है, वो भी मटन बन रहा है बाहर, अंकल बना रहे हैं। तो सारी जेंट्स लोग की पार्टी है, बोले लेडीज नॉट अलाउ। तो हम लोग खाते भी नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। तो अभी मैं चाय बन रही है, इदिका को उठा दिया है मैंने, एंड अभी क्या चाउमीन का पानी भी चढ़ा दिया। चाउमीन बनाऊंगी मैं, वीक में एक बार मस्त लगता है चाउमीन। एंड मैं बनाती भी अच्छा हूँ ना बेटा, इधर देख के बोलो ना। अच्छा बनाती हूँ कि अच्छा बनाती हूँ कि अच्छा लगता है तुमको, इसीलिए एक थाली खा लेते हो ना तो उसको जस्ट उठाया नहीं मैगी, फिर कभी बनाएंगे। ऐसे ही कल चलेंगे कोलकाता के लिए, क्योंकि दो तीन दिन डिले हुआ उनका, जैसे तबीयत खराब था। तो कोरोना टाइम है तो थोड़ा मतलब ठीक ठाक होके जाओ तो ज्यादा बेटर है। तो सुबह से फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रही है, पता नहीं कहाँ पर है, तो थोड़ा टेंशन है। बात होता है फिर पता चलेगा। तो मैं फटाफट से चाउमीन बना लेती हूँ, 10 बज गया, काफी लेट हो गया है बनाने में मुझे आज। चाउमीन ये अंडा चाउमीन, ये बिना अंडा के नहा चुकी है, खा रही है। ये थोड़ी लेट लतीफ है, इसको हर चीज में टाइम लगता है, खाने पीने हो, पढ़ाई लिखाई हो, सोना हो, बाथरूम हो, ब्रश हो। ब्रश आधे घंटे लगाती है, कैन यू बिलीव दैट। कहा मम्मी गाजर काटते हुए। तो जो जेंट्स पार्टी है उन लोगों के लिए कट रहा था सैलेड यहाँ पे। पापा की गैलरी देख रही हूँ बस, कुछ काम नहीं, खेल के आ गई। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इतना ज्यादा सैलेड काटा है, आई थिंक कोई सब्जी भी काटी होगी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में। 15 हो रहा है एंड हितिका को बोल के मैंने आलू चढ़वा दिया था गैस में, तभी आलू उबलेगा, आलू का मसाला बनाऊंगी, आटा गूंथूंगी, कपड़े नहीं धुले हैं, आंगन में सब खाना बना रहे थे। मम्मी का आज बहुत काम है, आज संडे तो क्या हुआ, संडे के दिन मेरी बहन क्यों मचती है इतनी लेट हो गया ना काम करने में, इसीलिए चले चलते हैं ड्यूटी पे। मैं मटरली खाना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आलू, आलू के पराठे का मसाला रेडी हो रहा है, फिर आटा गूंधा जाएगा। बहुत लेट हो गया, हाँ, या एक से ज्यादा हो गया ना, डेढ़। हाँ सही बोल रहे, 1:30 बज गया है, तो खाने में कितना लेट होगा। नथिंग को घुमा दो, देखा 15 मिनट। क्या है, जीरा, जीरा भून के रायते में डालते हैं और अच्छा टेस्ट आता है उसका। चौकी बस कंप्लीट है हमारी दही। तो ये देखिए आलू के पराठे में स्टफिंग मेरी कितनी ज्यादा, एंड बस इसको फील करना बहुत ही इजी है। ये देखिए इसका मेन ट्रिक यही है कि आप जब पराठे बनाओ ना तो आटा एकदम सॉफ्ट गूंथो। तो ये देखिए हमारे पराठे देसी घी में बनते हुए, एंड ये देखिए फूल भी कितना अच्छे से रहा है मेरा पराठा, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर बना नहीं है। ये देखिए कितना इजीली बन जाता है हमारी, बिल जाती है हमारी रोटी, एंड बिना कहीं से क्रैक हुए। ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा। ये मेरा फाइनल टच, आज 16 तारीख है तो यहाँ पे मैंने गुल्ली लगा दिया, 15 है यहाँ, मैं इसको भी गुल्ली लगा दी, मेरे को लगता है 17 है। ये आज 16 तारीख है, फिर 21 को
मम्मी पापा का एनिवर्सरी है और सबका डिजाइन कुछ अलग अलग दिया गया है। सबसे प्यारा मेरे को लग रहा है ये। आइए आप भी कमेंट से बताएं कौन सा। और यहाँ पे गैप रह गया, पेंट टंगा रही है, सुबह उठ के मैं सगे कर दूंगी नहीं तो फिर भूल जाती हूँ ना मैं। हम लोग खा रहे हैं, 3 बज रहा है अभी और मेरा पराठा यम बना है। फाइनली खाना पीना हो गया। बर्तन धोने में बहुत आलस लग रहा था फिर भी धो लिए। इधर देखिए तो बस कल रात को कल आप बोलोगे रोज लाइट का रोनर होती है तो कल भी सही में लाइट नहीं था तो बिग बॉस नहीं देख पाई तो मैंने डाउनलोड कर लिया है बुक में। तो अभी बस 1 घंटा उसी में बिजी रहना है। 4 बजे फिर उठेंगे अपन बिस्तर से। भी जस्ट आ गए, मैं लेटी एंड जस्ट आ गए थक के बेचारे बहुत काम कर रहे हैं। और कुछ बोलना खाए खा लो पराठा खाए पराठा खा लो बहुत पूरा महक रहा है मटन मटन। चलिए वॉक टाइम, आज शायद अनु भी हमारे साथ वॉक करेगी ऐसा लग रहा है लेकिन हंस रही है मतलब नहीं जाएगी। Hey guys, तो अभी हम लोग सेक रहे हैं आग, दिखाई दे रहा है कुछ अंधेरे में। कितिका भी आई मेरे साथ तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ।